सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आपका घर पर अच्छे से ही है और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज ये टॉपिक है ना, तो बहुत ज्यादा मजेदार सा टॉपिक है। सो गाइस, आपको रिसेंटली पता होगा कि जो चाइनीज आर्मी है वो इंडिया के तवांग रीजन है वहाँ पर घुस आए थे, और भाई जो हमारे इंडियन आर्मी थे वो क्या ही मतलब उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा, और मतलब तारों से बांध बांध के मारा। तो भाई इसी हवाले से रिसेंटली ये न्यूज आ रही कि भाई जो ताइवान का जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उनका न्यूज चैनल और जो उनके पीपल है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी ने क्या ही मतलब दौड़ा दौड़ा कर फैला है उसको। और बकोल टीवी जो उनका नेशनल टीवी है ना, वहां पर भी ये वीडियो चला गया और भाई इस पर डिबेट हुआ कि भाई इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है, और चाइनीज आर्मी को वो एक मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया कि भाई अगर आप इस बार भी हमारे जो एरिया में आओगे तो इससे भी बड़ा बदतर मार पड़ेगा। सही बात है। तो भाई ताइवान का जो पीपल्स है और जो उनका न्यूज एथलेट है वो तो भाई इसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन भाई एशिया भर से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है डेली स्लॉग, वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक को मतलब ये वीडियो बकोल दिखा रहा है कि भाई ताइवान के जो पीपल है उनका न्यूज एथलेट है उनका नेशनल टीवी पर ये वाली वीडियो क्लिप चलाई गई कि भाई देखो इंडियन आर्मी ने कैसे चाइनीज आर्मी को मतलब खदड़ खदड़ के दौड़ा दौड़ा कर मारा, और भाई ताइवान का पीपल इसे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से चाइनीज आर्मी को धोया। तो भाई इसी आवाज से पाकिस्तान की जाहिर जनता क्या रिएक्शन देती है? और भाई आप सबको तो पता होगा कि जो चाइना का सबसे बड़ा पालतू चेला है वो पाकिस्तान ही है। तो भाई इसी आवाज से पाकिस्तान की जाहिर जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं, और उसके बाद हम अपना रिव्यू भी देंगे और इन्हें रोस्ट भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ अगर जल्दी से कर देना। तो भाई चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। कुछ भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? उमर अब्दुल्ला जी। सर नाम आपका? एसन किरमानी। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली जो उनसे ताइवान और सॉरी इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर के अंदर झड़प चल रही है, ताइवान के करीब जो बॉर्डर है वहाँ पर इंडियन फौज ने अफवाज ने इन चाइनी को बहुत ज़्यादा पीटा, जो रस्सी से बांधकर जो वहाँ पर तारी होती है उसे बांधकर मारा, तो वीडियो भी बना ली इंडिया के अफवाज ने और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो एक चाइना को एक सुपर पावर माना जाता तो वो इंडिया के हाथों इंडिया के फौजियों से मार खा गया। एक तो यहाँ पर बदनामी और बिस्ती होगी चाइना की, दूसरे नंबर पर ताइवान बहुत ज़्यादा खुश है चाइना को मार पड़ने पर। क्या समझते हैं आपके जो क्लेम करता है इंडिया के अंदर जो हिस्से को चाइना, क्या ओरिजिनल में चाइना का है या वो सेनाजोरी कर रहा है? देखिए जो हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हम चाइना की बजाय इंडिया के तरफ देखा जाए तो इंडिया हमेशा से इस पूरे खित्ते के अंदर अमन अमान ख़राब करता है, चाहे वो कश्मीर है चाहे हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अंदर हमेशा इसकी कोशिश रही है कि वो अपने आप को जो है ना हमसे सुपर पावर शो करे। उसको हमारा ख्याल है कि जो ये जो आप इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना एक मैच्योर कंट्री है जिसके अंदर वो अभी बिल्कुल एक डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर आ रहा है, जबकि इंडिया मुसलसल खासकर ये जो हुकूमत आई है जब से नरेंद्र मोदी की उस पर मुसलसल एक कोशिश कर ही आ रहा है कि हालात ख़राब होते जाएं, कभी वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है कभी वो चाइना की तरफ से आ रहा है। तो इससे मेरा ख्याल है अमन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि बेशक इंडिया हमारा इस रीजन में पहले 20 साल अफगानिस्तान की वॉर रही है और अब ये बड़ी मुश्किल से खत्ता साफ़ हो रहा है, तो ये अमन की तरफ जाने की बजाय अगर इस साइड से भी हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे तो हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए खतरनाक है। अच्छा तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या भाई हम तुम्हारे तरह बुजदिल है क्या? बुजदिल? डरपोक? कि कोई घुसपैठ मेरे लैंड को कब्जा करने के लिए मेरे जमीन पे आए और हम उन्हें कहे प्लीज चले जाइए ना, चले जाइए, क्यों आए यहाँ पर? हम इंडियन से भाई कहाँ पर क्या करना है यह हमें अच्छी तरीके से पता है, तुम जैसे जाहिलों को बातों को हम अपना झाड़ के बराबर भी नहीं मानते। इंडिया को कर रहे हैं तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वहाँ पर चाइना आ रहा तोड़ते हुए उनकी एक लेक पर भी कब्जा कर लिया चाइना ने। देखे ये तो हम उस उन्हीं के मीडिया के ऊपर से ये बात हम ले रहे हैं, हमने उसका आप कभी बैकग्राउंड नहीं देखा। इंडिया पाकिस्तान की तरफ आता है तो क्या हम उसको ये देने देंगे? हम तो अपने नज़रिया पाकिस्तान पे होंगे और इसी तरह एक चाइना का भी अपना नज़रिया होगा, इंडिया का भी कोई नज़रिया ज़रूर होगा। अगर उनका कोई क्लेम बनता है तो वो डिप्लोमेटिकली तरीके से हल करना चाहिए बजाय कि इस तरह इसको फ़ौजों को लड़ाने की कोशिश की जाए। तो मेरा तो यही है कि अमन
होना चाहिए, बेशक चाइना पाकिस्तान है, चाहे यूक्रेन की वॉर है, रशिया की वॉर है, चाहे फलस्तीन है और इसराइल है। बिल्कुल सही। तो आपने ये बात की, मैं आपके पास कहीं कहीं एग्री करता हूँ और बहुत सारी बातों पर एग्री नहीं करता, एक बात। दूसरी बात ये कि अभी देखें कि क्लेम किया और क्लेम करने के बाद अपना हक जताने के लिए इंडिया की फौज को मारपीट कर अब थोड़ा से हिस्से पर आगे आया, लेकिन इंडिया की फौज भी आप सारी मुतहिद होकर वहां पर सीज फायर है, वहां पर आप गोलीबारी नहीं कर सकते, वहां पर आप धक्के देके एक दूसरे को पीछे कर सकते हो, ये कानून पर लागू है। तो एक कानून जब ब्रिटिश एक दूसरे को तकसीम करके गए, तो अब चाइना को क्या याद आ गया कि 47 साल बाद के भाई ये हिस्सा मेरा है। तो अब एक और बात मैं बताऊं कि जब इंडिया से जो हिस्सा क्लेम करता अगर चाइना वो ले लेता, तो चाइना यहां पर रुकेगा नहीं। क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज को क्लेम करता कि पाकिस्तानी एरिया भी ये मेरे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को वॉर्न किया हुआ बताया हुआ ये हिस्से मेरे हैं भाई, बट मेरे हैं, मतलब क्या अगर इंडिया से ले लेता फिर हम भी खतरे में भाई? देखिए, हम लोगों को ना एक चीज़ देखनी चाहिए कि इंडिया हमेशा से ये करता आ रहा है। जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें भी एक्चुअली यही हुआ, हम लोग थोड़ा सा वीकनेस शो करके और हम अपना डिफेंस नहीं कर सके। अगर यही चीज़ वो अब चाइना के साथ कर रहा है, तो चाइना शायद अभी कुछ अरसे करेगा एज अ सुपर पावर, जरूर होगी कि एक बिल्कुल डिफेंसिव खेला है और उसको अभी एग्रेसिव नहीं आए। और के लिए मुझे नहीं पता आप क्यों डिसएग्री किए इस चीज़ के ऊपर, किस बात के ऊपर? आपने मुझे कहा कि अभी आप डिसएग्री है काफ़ी चीज़ों के ऊपर कि मैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन शायद देखते नहीं है, इंडिया ने हमारे श्रीनगर के ऊपर भी उसी तरह ही कब्जा किया और वो उधर भी ये ट्राई कर रहा है। कौन सा तुम्हारा श्रीनगर में कश्मीर इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा? चल निकाल अब। साला कागजात हमारे पास है, ऑक्यूपाइड तुमने करके बैठा है, लेकिन भाई श्रीनगर तुम्हारा है, अभी मेरा घोड़ा तुम्हारा है। हमारा जो एक पर्सपेक्टिव ये नहीं कि इंडिया के साथ हमको अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, हम जरूर चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ भी ज्यादती ना की जाए। और ये जो चाइना वाला जो आप छेड़ रहा है, ये ज़रूर हमें एक प्रेशराइज करने के लिए इस खत्ते के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए है कि हमें इस खत्ते को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। उसमें कई मुल्कों के नाम मैं नहीं लेना चाहता कि वो उसमें हम वो और कई मुल्क ममालिक हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो और उनका जो है वो फायदा इंडिया के साथ, इसलिए उसके लिए वो कह रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक बात आ गई है, तो मैं एक और बात भी करता चलूँ। अफगानिस्तान क्लेम करता कि अटक तक जो इलाका वो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान कहता वो हमारा इलाका है जो ब्रिटिश ने जो तकसीम की है, पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा हिस्से को लिया हुआ है। तो अभी भी वॉर चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, आर्मी के दरमियान। आप देखेंगे बाउंड्री जीरो लाइन के इधर भी रोज़ अफगानी आकर, तालिबान आकर कुछ ना कुछ कर जाते हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया जिस तरह आप भाई हमारे चल रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान हमारा बड़ा एक अहम टॉपिक होना चाहिए हर तरफ से। अफगानिस्तान का जो मामला ऐसे हम आधी बात करते हैं कि वो अफगानिस्तान क्लेम करता है कि जी अटक तक का इलाका है, उसको हिस्टोरियंस के अंदर अब जिस तरह इलाका खलीज का इलाका कोई और था, शेंजन कंट्रीज़ का इलाका और था, जी अब खारान आप बेसिकली उसको खुरासान का इलाका आप उसकी हिस्ट्री बोल रहे हैं। ये जो हम लोगों के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है ना, जो एज़ अ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देखता रहता हूँ और जनरली कुछ नॉलेज के साथ मैच करता रहता हूँ, खुरासान के इलाके के बारे में तो जो पुरानी बातें थी हो गई। एक हमारा आप ब्रिटिश का भी मान करें, चलो ब्रिटिश ने हमें डिवाइड कर दिया, हम उस चीज़ पर चल पड़े। अब उन चीज़ों को अगर आप कल दो भाई लड़के सुलह करके दो आधा आधा मकान कर लेते हैं, अब उसको आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसको आप उसको तोड़ के बेहतर कर सकते हैं या उसके अंदर अच्छे तरीके से आगे चल के कर सकते हैं। तो इसलिए मूव ऑन होना चाहिए, वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है और हमारे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड्स होने चाहिए, और इंडिया के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, चाइना के साथ भी हमारा होना चाहिए। फिर वही लास्ट मोमेंट पे वही बात आ जाती है, नहीं भाई ना तुम्हारे साथ ट्रेड ना रिलेशन कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, साला तुम हमारा कोर इंटरेस्ट को मानते ही नहीं। कश्मीर का तो बात छोड़ो भाई, वो एक अलग मामला है, वो छोड़ो इंडिया पाकिस्तान का अलग मामला है, वो बात समझ आता है, लेकिन भाई अरुणाचल प्रदेश वो कहते हो तुम चाइना का हिस्सा है, उत्तराखंड वो भी चाइना का हिस्सा है, साले मजाक बना के रखते। तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना, डबल गेम मत खेले, चल निकाल अब। फिर वही लास्ट मोमेंट पे वही बात आ जाती है कि अमन जहाँ पे भी खराब होगा, अमन खराब नहीं होना चाहिए। Exactly. अमन को बरकरार रखना चाहिए, आप एग्री करें इनसे? जी बिल्कुल, अमन के बगैर तो बड़ी बड़ी जंगें जो है वो टेबल टॉक पे आके खत्म होती, इसमें कोई शक नहीं।
बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाम आपका? मोहसिन। सर घूमने फिरने आए? जी बिल्कुल, बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए आए थे, और मौसम की ठंडक की जो है इसका एक अपना ही लुत्फ है। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज तो देखी होगी, हमारे मीडिया ने दिखाई होगी आपको न्यूज, के जो के इंडिया और चाइना के दरमियान जो फाइट चल रही है ताइवान के बॉर्डर के नजदीक, तो वहां पर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंडियन फौजियों ने चाइना की अफवाज को पकड़ के बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं उन्हें, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? चाइना जहां पर हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पर चाइना तो कमजोर नजर आ रहे हैं इंडिया के सामने, इस चीज को सबको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में जो है ना ये एक दहशत ही बनाई हुई है उन्होंने, कि जैसे पिछले लास्ट टाइम एक वाकया हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि चाइना जो है वो इंडिया में एंटर हो गया था, लेकिन अब वो जो है ना उस चीज़ का बदला मेरे ख्याल में जो वो चाइना से ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल यही एक वजूहत है। अगर किसी के घर कोई ज़बरदस्ती घुस जाए तो फिर अगला तो जाहिर बात है छोड़ेगा तो नहीं उसे। Exactly. क्या ख्याल है? Exactly. आपको क्या लगता है कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चाइना जो कर रहा सही कर रहा? मेरे ख्याल में एज पर अगर हम फ्रेंडशिप कहें तो, और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमें अपने हक पर बात करनी है, हक पे किसी का साथ नहीं, ऐसे नहीं है फिर, मतलब गलत है ये, किसी के घर जबरदस्ती घुसना जो है, घुस के जाके जो है मतलब कि उनके साथ जुल्म करना, वो जो है एक मुनासिब नहीं, गैर मुनासिब है। ये हुई ना बात, भाई अंकल जी ने मतलब दिल छू लिया। थैंक्स, लव यू। भाई ऐसे बोलो ना, जो बात गलत है वो गलत है, और भाई जो बात ठीक है वो ठीक है। इसमें तू मेरा दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं सच्चाई को झूठ बोलूंगा, नहीं, जो सच्चाई है उसे बोलना चाहिए। क्या बात है? पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जो कि गिलगित बल्तिस्तान से थोड़ा पीछे इलाका है, चाइना बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, वहां तक चाइना क्लेम करता कि ये भी इलाका मेरा, और चाइना ताइवान को भी क्लेम करता कि भाई ताइवान भी मेरा है। तो ताइवानी इस इलाके में जब इंडिया के फौजियों ने जो के चाइना के फौजियों को बीट किया मारा, ताइवानी बहुत ज्यादा खुश हुए, वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं चाइना की बिस्ती करने के लिए। इस पर कैसे देखते हैं कि क्या ताइवान चाइना का है ओरिजिनल में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि वो जो है ना बेसिकली अगर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं उस चीज़ में, तो वो फिर समय से बाहर है एक चीज़ जो है, हम बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर देखते हैं कि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कि चाइना क्लेम करता पाकिस्तान के जो एरिया है, क्या वो चाइना का है क्या पाकिस्तान का? ये तो मेरे ख्याल हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं इसको, कि ये हमारे पास ये एरिया मौजूद है, और चाइना बॉर्डर जहाँ पे बना है वो उसमें पाकिस्तान के हदूद में है, तो वो अगर ज़बरदस्ती कहेगा हमारा तो ये गलत बात है, वो इधर भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, हर तरफ से वो अपना एरिया बढ़ा करने की सोच रहा है और दूसरों को घटाई जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो जितनी हदूद तयन की गई है मैप के ऊपर, कम से कम वो उसको छोड़ देना चाहिए। सेम इंडिया के साथ भी यही है कि इंडिया नजायज हक जमा के बैठा हुआ है, जो वो भी उसको नहीं करना चाहिए, वो भी पाकिस्तान का हिस्से में बैठा हुआ है। ये तो आपको कौन सा पाकिस्तान? कश्मीर, जिसके कश्मीर पाकिस्तान का है, है। कश्मीर कश्मीर दिया शुरू से, उन्हें नहीं दिया कश्मीर, तो कश्मीरियों का नहीं है, हमारा है, पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, कश्मीरियों का नहीं, आप कह रहे हैं कश्मीरियों का, लेकिन कश्मीर कौन है? कश्मीरी कौन है? क्या आप उसको पाकिस्तानी नहीं समझते क्या? सर, वो कश्मीरी कहते हैं को, हम तो हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी वो नहीं कहते अपने आप को, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। देखेंगे ये बात तो कायदे आजम हमारे जो कायद थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, तब ये बात साफ हो गई थी कि कश्मीरी तो कहते थे भाई हम कश्मीरी हैं, हमें अलग ही रहने दो, ना इंडिया के साथ जाना चाहते ना कश्मीर के साथ जाना चाहते, इसको कैसे देखते? तो फिर इंडिया को भी छोड़ देना चाहिए। मेरा तो इतना ही जवाब होगा कि अगर पाकिस्तान छोड़ेगा इंडिया को भी छोड़ देना चाहिए, उनको अलग कर दे फिर बिल्कुल जैसे है था पहले। नहीं चाचा जी, लगता है आपको करंट सिचुएशन और करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कश्मीरी है प्रॉपर इंडियन है, जो मतलब कश्मीरी मतलब कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, वो अभी इंडिया से अलग नहीं होना चाहते, वो इंडिया के साथ रहना चाहते। इंडिया जो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर में, जो डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया कश्मीर में, तो भाई वो उससे खुश है। लेकिन भाई जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे भाई इंडिया से ऑक्युपाइड कर रखे पाकिस्तान, उधर के जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है।
यही रिसेंटली अभी मतलब कुछ ही दिनों पहले सर्वे हुआ था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है कि भाई कितने परसेंट पाकिस्तानी मतलब जो कश्मीरी है पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और कितने परसेंट नहीं। तो भाई आप जान के हैरानी होगी कि भाई 45% कश्मीरी ये चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान को छोड़ दें। और आए दिन कश्मीरी कैमरे का आगे आके मतलब बहुत सारे कश्मीरी है जो कैमरे का आगे आके ये बोलते रहते कि भाई पाकिस्तान हमें हमारा हक नहीं देता। तो चाचा जी ये सब छोड़ो, कश्मीर का कागजात भी हमारे पास है और आपको अच्छे से वो कश्मीर हमें दे देना चाहिए, नहीं तो भाई हम छीन के ले लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुद्याशिट गाइस ये था आज का वीडियो और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज यार गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई इस टॉपिक पे आपको क्या कहना है, भाई चाइना की जो बेइज्जती हुई है ना पूरे वर्ल्ड भर में वो भाई मतलब देखने लायक है और इंडिया की जो मतलब रेस्पेक्ट बढ़ी है वर्ल्ड में वो मतलब काबिले तारीफ है। तो भाई अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके, तब तक के लिए मैं चलता हूँ अभी। तो अभी इजाजत दीजिए, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।